अच्छा भैया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज होने वाला है कुछ नया। और क्या नया होने वाला है? आज हमने अबू धाबी को एक्सप्लोर करना है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें फ्लैग पॉइंट है और एक कोई सी पॉइंट है और उसके अलावा शेख जैद मस्जिद, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये पॉइंट है और उसके अलावा खाने के लिए हमने जाना है बैक अबू धाबी। तो ये बहुत सारे पॉइंट है जहाँ जिनको हमने आज एक्सप्लोर करना है। तो आपने क्या करना है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और आगे की वीडियो को पूरा देखना है। तो हम चलते हैं अपने सफर की जाने। दुबई की जो है वो अपनी क्वालिटी है, अजमान की अपनी क्वालिटी है, लेकिन अबू धाबी की तो बात ही अलग है। अबू धाबी में जो है इस वक्त हम मौजूद हैं फ्लैग पॉइंट पे। ये फ्लैग आपको नजर आ रहा है, ये फ्लैग यहाँ लगा हुआ है, इसको कहते हैं फ्लैग पॉइंट। और यहाँ पर जो है लोग सैयाह आते हैं और लुत्फानंदोज होते हैं। तो साथ ही समंदर है और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ बर्ड्स जो है लोग बर्ड्स को जो है खाना दे रहे हैं और कोई चीज़ कैसे खिलाई जा रही है, पिलाई जा रही है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर अलहमदिल्ला बड़ा ही एक दिल फ्रेब मंजर है और बड़ा दिलकश मंजर है। मज़ा आ रहा है, अबू धाबी का अपना ही मज़ा है। जो बात है ये सारी बोर्ड्स यहाँ खड़ी हैं और इस पे क्या प्राइवेट बुकिंग होता है, प्राइवेट पार्टीज वगैरह के लिए बुक होती है, लोकल्स की अपनी भी है बोर्ड्स। यहाँ पर आप प्राइवेट पार्टीज भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तो आ जाओ भाई, जिसको आना है यहाँ पर कर लो प्राइवेट पार्टी। ये भाई बीच एक्सेस, अब हम जा रहे हैं बीच पे। चलो भाई देखते हैं यहाँ का भी समंदर, यहाँ का भी बीच कैसा है। तो बीच के करीब ही है। थोड़ी यार सीवीओ वीवीओ वाली फीलिंग आ रही है मुझे, थोड़ी सीवीओ वाली फीलिंग आ रही है। बल्कि सी व्यू ही होगा, बच्चों का प्ले एरिया आ गया। या उद्रियात नाम है इसका, इस बीच का नाम है उद्रियात। और उद्रियात भी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। वो देखिए उद्रियात लिखा हुआ है, वो नजर आ रहा है उद्रियात लिखा हुआ। ये है भाई बीच। ज़्यादा जो है ना जूम जूम करके नहीं देखना भाई यहाँ पर, सही है? आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको जूम करके नहीं देखना आप लोगों ने, मतलब यार जितनी तारीफ की जाए कम है। ये प्ले एरिया बना हुआ है और बच्चे यहाँ जो है वो एंजॉय करते रहे, आप बीच पे चले आए हल्ला गुल्ला करें। ये भी प्ले एरिया है बच्चों के लिए। ये है स्केटिंग एरिया, यहाँ देख रहे हैं आप बच्चे किस तरीके से स्केटिंग कर रहे हैं। मतलब यार हर चीज़ की सहूलत है, बच्चे आए बड़े आए और इन्जॉय करें। फ़ायदा ये है कि आप आपकी ज़िंदगी भर की जो भी टेंशन हैं वो आके आप यहाँ आके रिलीज़ करें, इन्जॉय असल ज़िंदगी का इन्जॉय है। ये लिखा हुआ उद्रियात, इस बीच का नाम है उद्रियात, भी सही होगा। अभी हम जा रहे हैं शेख जैद मस्जिद, और जिसके बारे में आप तमाम लोगों ने सुना होगा कि बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है शेख जैद अबू धाबी में। तो मैं आपको उसका व्यू भी दिखा देता हूँ जाते हुए।
सामने आपको नजर आ रही होगी शेख जैद मस्जिद। क्या ही खूब नजारा है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई है। तो क्यों ले रहे हैं फिर? मेन चीज वही है। यार क्या व्यू है यहाँ का ना, ये व्यू आप देख रहे हैं कैसा है। तो ये है शेख जैद मस्जिद और मेरे अकब में आपको नजर आ रही है किस तरीके से माशाल्लाह ये किस बेहतरीन तरह से ये मस्जिद बनाई है। और पूरी दुनिया जो है ना यहाँ पर ये मस्जिद देखने आती है, शेख जैद मस्जिद। अब हमने जाना है टिकट काउंटर पे, टिकट लेना है, फिर जाएंगे हम इस मस्जिद के अंदर मस्जिद देखने और वो फानूस देखने जो यहाँ लगाया हुआ है। अच्छा यहाँ जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए, यहाँ से फिर एंट्री होगी। अभी तो हम एक्सेलेटर पे हैं। तो मस्जिद के नीचे भी जो है मॉल का लुक दिया हुआ है पूरा। टी होटल का वो टी मॉडर्न ब्रांड भी है जो है वो दिखा, टी मॉडर्न भी नज़र आ रहा है भाई। वापसी में आपको टी मॉडर्न भी दिखाई है, मसला नहीं है। ये शेख जैद मस्जिद में अंदर जाने के लिए है, उससे पहले जो है ये मॉल बना हुआ है पूरा। क्या देख रहे हैं मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जो कोड स्कैन होगा उसके बाद एंट्री हो जाएगी अंदर। ये जो है ड्रेस कोड यहाँ लिखा हुआ है आपका, ये ड्रेस कोड होगा तो आप जाएंगे और ये ड्रेस कोड होगा तो आप नहीं जाएंगे। ये दोनों ड्रेस कोड लिखे हुए। यहाँ चेकिंग के बाद शेख जैद मस्जिद में शायद एंटर हो जाएंगे। ये जगह है भाई, चले भाई। इतनी सारी जगहें क्रॉस कर ली लेकिन शेख जैद मस्जिद अभी तक नहीं आई है। कब आएगी शेख जैद मस्जिद? भाई चलते ही चले जा रहे हैं लेकिन जो है ना रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा शेख जैद पहुँचने के लिए, काफ़ी देर तो हो गई है। और एक्सीलेटर पे एक्सीलेटर आ रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं एक्सीलेटर। अगर भाई आ जाए यार, ऐसी लेटर पर भी जो है ना मैंने भागना शुरू कर दिया जल्दी जल्दी कर रहा ताकि जल्दी से पहुंच जाए। बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी, रास्ता इतना बड़ा है पहुंचने का, इतना लंबा रास्ता है पहुंचने के लिए, भागना पड़ रहा है भाई। क्या करें, पहुंच जाएंगे जल्दी से। जानिब अब पहुँचे हैं भाई मंजिल की जानिब। ये आ गई है शेख जैद मस्जिद। नमाज भी पढ़नी है, वजू वगैरह की जगह तो होगी। हाँ पहले नमाज पढ़ लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। मतलब हर चीज़ का अपना लुक है, हर चीज़ का अपना मज़ा है। ये टाइल्स यहाँ लगे हुए हैं, उमर भाई ने बताया कि ये टाइल्स जो है गर्मी में भी ठंडे रहते हैं और साथ में ही जो है वही नमाज़ पढ़ने के लिए शूज़ भी उतारने, चाहे शूज़ रखने की जगह यहाँ है। ये है नमाज़ पढ़ने की जगह, शेख जैद मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की जगह।
ये है शेख जैद मस्जिद जिसका आपको पूरा व्यू दिखाया है, और ये इसके गुंबद है वाइट। इधर सफाई वगैरह हो रही है। अच्छा भाई, अब हम आए हैं अलबैक रेस्टोरेंट, तो आपको दिखाते हैं अभी आगे अलबैक पहुंचते हैं तो आपको दिखाते हैं अलबैक, और खाएंगे भी और आप लोगों को चेक भी कराएंगे कि अलबैक कैसा है यहाँ का। ये आ गए हैं हम अलबैक, ये आ रहे हैं अलबैक। अलबैक क्राउड से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं अलबैक की। यहाँ पर अलबैक लेने पूरी दुनिया से लोग जो है ना ये अलबैक खाने आते हैं भाई। अभी हमने भी लेना है, लेते हैं अलबैक और ट्राई करते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है अलबैक का। चलो भाई लाइन में लग जाओ भाई। और ये अहमद रजा और मुस्तफ़ा की फाइट आप देख रहे हैं, इतना फाइट, ये फाइट चल रही है यहाँ। हाय अहमद, पर्ची देखो, गलत ऑर्डर लग रहा है मुझे।